हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आज मैं आपको इस वीडियो में KTM डुक 125 की डिटेल दूंगा। ये आप देख सकते हैं 125 सीसी की ये बाइक है KTM डुक 125। काफ़ी लोग डुक 200 को ले नहीं पाते हैं, उनको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती है, उनको बस एक पावर बाइक चाहिए होती है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी हो और उनका कॉलेज में या फिर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े नॉर्मल भी चलाने में। उनको एक बाइक चाहिए हो जिनको वो लॉन्ग ट्रिप में भी यूज़ कर सके अपने, तो आप ले सकते हैं KTM डुक 125 को, जो कि आप देख सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में KTM डुक 125 की डिटेल दूंगा, इसके इंजन प्राइस और 2023 में आपको क्या क्या नए फीचर मिल जाते हैं वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। ये आप देख सकते हैं KTM 125 को सामने आपको LED में DRL मिल जाती है जो कि कुछ इस टाइप से दी गई है। ये ऑन हो गई है DRL, यहाँ आपको LED में DRL मिल जाती है और यहाँ पे आपको हेलोजन में हेडलैम्प मिलती है जो कि आप देख सकते हैं। और कुछ इस टाइप से आपको सामने 17 इंच का रेडियल टायर मिलता है जो कि ये ट्यूबलेस 110/60 का ये टायर है। और सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से आपको डिस्क ब्रेक दी गई है 320 mm की। और इस बाइक की इंजन की डिटेल मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। यह इस बाइक का 125 सीसी का लिक्विड कूल इंजन जो कि देता है आपको 14.5 HP की पावर। 125 सीसी के हिसाब से अदर बाइकों के मुकाबले में एक इंजन काफ़ी पावरफुल है। अदर बाइकों की 150 और 60 सीसी की बाइकों में जितना पावर होता है उतना KTM की इस 125 सीसी की बाइक में पावर होता है। और आप देख सकते हैं इसका यहाँ पे रेडिएटर लगा हुआ है, ये लिक्विड कूल ये इंजन है और यहाँ पे आपको रेडिएटर पे KTM की बेजिंग मिल जाती है। और 6 स्पीड के गेयरबॉक्स के साथ में ये इंजन आता है और साइड स्टैंड कटऑफ का आपको फीचर मिल जाता है KTM की डुक 125 में। और यहाँ पे आपको मोनो टाइप में सस्पेंशन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। 158 mm की इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, मतलब कच्चे रास्तों पर भी आप आसानी से इस बाइक को चला सकते हैं। और रियर में आपको LED में टेल लैंप मिल जाती है और रियर से लुक दे सकते हैं। और रियर में आपको 150/60 का 17 इंच का रेडियल टायर मिल जाता है और 230 mm की आपको रियर में डिस्क ब्रेक मिल जाती है जो कि आप देख सकते हैं। रियर में आपको ABS नहीं मिलेगा, फ्रंट के टायर में आपको ABS मिलेगा। कुछ इस टाइप से LED में आपको नंबर प्लेट की लाइट दी गई है। और फ्यूल टैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक को 12-13 लीटर के अराउंड आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है KTM की डुक में। और इसके मीटर की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको मीटर दिया गया है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन करके। पहले डुक में आता था वैसा ही मीटर दिया गया है। इसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, गैस शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल गेज, टेम्परेचर का गेज, सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टाइम भी आपको ये मीटर बता देता है। आप सभी को पता ही है इस मीटर के बारे में, आप बाइक को साइड से देख सकते हैं। फ्यूल टैंक की डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, यह बाइक देखने में 200 की तरह दिखती है, डुक 200 की तरह। आप देख सकते हैं डुक 200 के लिए आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, उसमें आपको 200 सीसी का इंजन मिलता है। और इस बाइक की प्राइस की बात करें तो 2,08,000 रुपये इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है, उसकी 2,28,000 रुपये डुक 200 की। हालांकि मॉडल सेम दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। इंजन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे आपको ये गार्ड मिल जाता है, कुछ इस टाइप से इंजन दिया गया है। ये ब्रेक की लीवर है और ये आप देख सकते हैं फुटरेस्ट को भी, इस पर आपको रबड़ दी गई है जिससे कि वाइब्रेशन काफ़ी कम हो सके राइडर एंड पिलियन के लिए। सीट की क्वालिटी आप देख सकते हैं, फ्यूल टैंक को देख सकते हैं और सस्पेंशन को आप देख सकते हैं। अप साउट डाउन में आपको सस्पेंशन दिए गए हैं और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं सेफ्टी के लिए। इस बाइक की मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। ये बाइक स्टार्ट हो गई है KTM डुक 125, इसके इंजन की आप साउंड सुन सकते हैं। अंडर बेली आपको एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि यहाँ पर है, इंजन की साउंड आप सुन सकते हैं। आई होप आपको इंजन की साउंड सुनाई दे रही होगी। और अभी मैं खड़ा हूँ राजा बजाज एंड KTM के शोरूम पे जो कि पड़ता है प्रताप नगर में, जोधपुर राजस्थान में। अगर आप जोधपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो KTM के शोरूम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने से लुक दे सकते हैं। अगेन मैं आपको लुक दिखा रहा हूँ इस बाइक की KTM डुक 125 की। और अभी मैं आपको डुक 200 को भी दिखा देता हूँ। ये खड़ी हुई है डुक 200, देखने में आपको कोई भी फ़र्क महसूस नहीं होगा, बिल्कुल ही सेम बाइक दी गई है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें भी आपको सेम मीटर मिलता है
फ्यूल टैंक सेम मिलता है, फ्यूल टैंक पे डिज़ाइन आपको सेम मिलती है, बस इंजन का ही आपको फ़र्क मिलता है। इसमें आपको 200 सीसी का इंजन मिलता है और इसमें आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है। कैसे लगी आपको KTM डुक 125 की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।